वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को बूलियन अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक एक साथ पढ़ाऊंगी, तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे होंगे, 8th अप्रैल शिफ्ट 2 में आया हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है 45 + 54 + 41 + 57 + 43 + x/6 = 48। ये दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू मैं प्लस करने पे ये लिख सकती हूँ ये, तो यहाँ से जब मैं पूरा सॉल्व करूँगी तो भी मेरी x की वैल्यू 48 ही आती है। अब मुझे पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये, जहाँ पे ये सारी वैल्यू जो दी है उसका स्क्वायर होता है, प्लस 57 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, और ये 1/6 यहीं पर रहता है। साथ में यहाँ पे मीन जो एक सबसे छोटी वैल्यू होती है उसका हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख पाऊँगी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का नोटेशन होता है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो मैं इसको जब पूरा सॉल्व करूँगी तो मेरी यहाँ पे वैल्यू ये आएगी, ठीक है। नहीं, यहाँ पे मुझे 48 लिखना है जो मेरा मीन आया हुआ है, तो यहाँ पे -48 स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये मेरा मीन होता है इसका फॉर्मूला। तो मैं इसको जब पूरा सॉल्व करूँगी तो यहाँ पे 1024 -48 का स्क्वायर इंटू 6/6 होगा। अब यहाँ पे मैं और लिखूँगी तो 1024 -13824 / 6, जिसमें कि और मैं पूरा लिखूँगी तो यहाँ पे आएगा मेरा 10/√3। सॉल्व करने पे मेरी वैल्यू ये इस इक्वेशन को सॉल्व करने मेरी वैल्यू 10/√3 आती है। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ऑप्शन जो है ये यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कब आया हुआ, ये मेरा क्वेश्चन आया है 9 जनवरी शिफ्ट 2 पे। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दो इक्वेशन दिए हुए मेरे को, मैं इसको पहले लिखती हूँ, समीशन ऑफ एक्स ऑफ आई प्लस 1² = 9n, ये मेरा 1 हो गया, और समीशन ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस 1² = 5n, ये 2 हो गया। तो मैं जब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करूँगी तो समीशन ऑफ पूरा सॉल्व करने पे x² + 1 = 7n आता है मेरा, ठीक। अब मैं लिखूँगी समीशन ऑफ एक्स ऑफ आई स्क्वायर बाय एन इज इक्वल्स टू 6, ये मैं इसको पूरा सॉल्व करके लिख रही हूँ, ठीक है। अब मैं इक्वेशन 1 - 2 करूँगी तो मेरा 4 समीशन ऑफ एक्स आई आएगा, जिसमें की वैल्यू मेरी 4n आएगी, तो समीशन ऑफ एक्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू एन आएगा। अब यहाँ पे भी मैं लिखूँगी समीशन ऑफ एक्स ऑफ आई एन इज इक्वल्स टू 1। अब मेरा जो वेरियंस है वो होता है 6 - 1 = 5, और स्टैंडर्ड डेविएशन SD = √variance, तो वो हो जाएगा मेरा √5। तो यहाँ पे मुझे यही निकालने के लिए बोला था, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये ऑप्शन नंबर सी मेरा आ गया, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा आया हुआ है 10 जनवरी शिफ्ट 2 पे। तो यहाँ पे क्या बोलता है, एक्स का जो मीन है वो 10 है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x of i = 50, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, xi² / 5 - summation of f(x²), जिसको मैं सॉल्व करूँगी तो यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। ये मेरा 8 स्टैंडर्ड डेविएशन से आ रहा है। अब मैं ये समीशन ऑफ i = 1 से 5 xi² = 109 सॉल्व करके बोल सकती हूँ। तो मेरा जो वेरियंस है वो क्या होगा, समीशन ऑफ i = 1 से 5 xi² + -50/6 माइनस समीशन ऑफ i = 1 से 5 xi -50/6,
जिसकी वैल्यू मेरी आएगी 507.5, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। 12 जनवरी शिफ्ट 2 पे आया, यहाँ पे मेरा मीन दिया हुआ है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 5.2, एन की वैल्यू भी 5 दी है और एक्स आई की वैल्यू 3 और एक्स टू और एक्स थ्री की वैल्यू दी है मेरी 4। तो समीशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्स फोर प्लस एक्स फाइव इज इक्वल्स टू 9 लिख सकती हूँ क्या? क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 से 5 तक लिखूंगी और यहाँ x1, x2, x3 लिखा है, तो x4, x5, 9 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ, माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर x, ये हो गया। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ दिया हुआ है, तो ये मेरा यहाँ से ये आता है। अब सपोज़ इसी में ही मैं फिर i इज इक्वल्स टू 1 से लेके 5 तक लिखती हूँ, तो फिर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ फाइव स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 65। तो मेरा एक्स ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स ऑफ फाइव, यहाँ पे मेरा ये स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 आता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि मेरा एक्स फोर माइनस एक्स फाइव जो है वो आ रहा है 7। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये मॉड पे लिखेंगे तो हमारी ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है 7, ऑप्शन नंबर डी। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 8 अप्रैल शिफ्ट 1 पे आया, ये भी पहले टाइप का क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पे भी सेम मैं ऐसे ही लिखती हूँ, एक्स वन प्लस एक्स टू, क्योंकि अपने को 2 का नहीं दिया होगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 8 दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल्स टू 14, इसको मैं बोल सकती हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो 1/7 समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स ऑफ मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ये गिवन है। फिर मैं लिख सकती हूँ 1/7 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस एक्स आई 1 का स्क्वायर प्लस एक्स आई 2 का स्क्वायर। और ये मेरा क्या लिखा है, ये माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। तो मैं यहाँ लिखूँगी एक्स वन, एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स टू इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे मेरा एक्स वन एक्स टू मुझे निकालने के लिए बोला था प्रोडक्ट ऑफ, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 48 सॉल्व करने पे, तो ऑप्शन नंबर बी। अब मेरा क्वेश्चन है ये 10 अप्रैल शिफ्ट 1 पे आया हुआ, ये भी सेम ऐसी क्वेश्चन है। तो इसमें अपन मीन निकालते हैं पहले, तो मीन निकालेंगे तो समीशन ऑफ एक्स ऑफ 5/5 माइनस 5 नहीं इक्वल टू 5 मेरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 1 प्लस 3 प्लस 8 प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 25। तो मेरा यहाँ से एक्स वन प्लस एक्स टू क्या हो जाएगा, 13 आएगा। फिर मैं यहाँ पे वेरिएंस को लिख सकती हूँ, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय 5 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 9.20। तो समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 171। फिर यहाँ पे एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर इस वाले वैल्यू से सॉल्व करके मेरा निकलेगा 97। ठीक है, तो जब मैंने इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 से बोल सकती हूँ, जैसे मैंने पिछले लिखा था 2x x2 इज इक्वल्स टू 97, तो x1 x2 आ गया मेरा 36। तो इसको मैं सॉल्व करूँगी तो x1 x2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:9। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने बुलेन अलजेब्रा का। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम टेबल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक टेबल बनाती हूँ, यहाँ पे बनाती हूँ, दो तीन चार पाँच छ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ P, यहाँ पे मैं लिखती हूँ Q, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये, यहाँ मैं लिख रही हूँ ये, यहाँ मैं लिख रही हूँ माइनस Q, और ये लास्ट में मैं लिख रही हूँ PQ और
और मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ये है पी डैश ऑफ ये क्यू, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये मैंने यहाँ लिखी है। अब मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ, ठीक है। पहले मैं लिखती हूँ टी, फिर टी, फिर एफ, फिर एफ, फिर मैं लिखती हूँ टी, फिर एफ, फिर टी, फिर एफ। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो यहाँ पे मेरा टी पहले आएगा, टी 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 एफ, क्यों, पी और क्यू को सॉल्व करके, तो मेरा टी जो है टी आएगा इसमें, ठीक है। जब मेरा ये रहता है ये ऐसा, तो यहाँ टी आता है, और अगर ऐसा रहता है तो मेरा एफ आता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो क्यू है उसको इन्वर्स करना, तो फॉल्स टू का टी का एफ, एफ का टी, ठीक है। अब क्या करूँगी, ये वाली और ये वाली वैल्यू को फिर से करना है, तो अब मेरा ये ऐसा दिया है तो मैं टी लिखूँगी, ये और ये टी टी, ये टी टी, एफ एफ, फिर टी टी। अब मैं ये वाले को कर रही हूँ, तो क्या होगा मेरा टी टी, फिर टी का टी, फिर एफ और फिर टी, ठीक है। तो इसमें कौन सा मेरा टेक्टोलॉजी नहीं है, तो मेरा जो टेक्टोलॉजी नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को भी आपको टेबल के थ्रू बताती हूँ। टेबल, अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ पी, ठीक है, यहाँ पर क्यू, यहाँ पे पी डैश, फिर यहाँ पे पी डैश ऑफ क्यू, फिर यहाँ पे पी डैश ऑफ क्यू, फिर यहाँ माइनस पी डैश ऑफ क्यू, ठीक है, फिर यहाँ माइनस ऑफ पी डैश ऑफ क्यू, ठीक है। तो फिर ये जो यहाँ लास्ट में जो मुझे हेडिंग में लिखना है वो मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, वो मैं लिखूँगी पी डैश ऑफ क्यू डैश ऑफ माइनस पी डैश ऑफ क्यू। मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये पी डैश ऑफ क्यू और ये माइनस पी डैश ऑफ क्यू को करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे टेबल बना देती हूँ ये, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ टी टी एफ एफ, यहाँ लिख रही हूँ टी एफ, ठीक है। अब मैं इस पी का इन्वर्स करूँगी, एफ एफ टी टी, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, कि ऐसा जब होगा तो इसका मतलब उल्टा फॉल्स ज़्यादा देखते हैं, और ऐसा जो होता है ट्रू देखते, ठीक है। तो इसको और इसको देखेंगे तो यहाँ ट्रू आएगा, इसको इसको देखेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, इसको उसको देखेंगे तो फॉल्स, और यहाँ पे भी फॉल्स। अब उल्टा होगा, इसको इसको टू 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 फॉल्स, ठीक है। अब माइनस पी डैश क्यू, मतलब ये देख रहे हैं तो क्या देखेंगे अपन, ट्रू को देखेंगे, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ये होया क्या मेरा, हाँ। फिर क्या देखेंगे अपन, माइनस पी डैश ऑफ क्यू का उल्टा, मतलब फॉल्स देखेंगे, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब मेरे को इन दोनों को करना है, तो इन दोनों को करूँगी तो क्या करना है मेरे को, उल्टा वाला को देखना है, उल्टे वाले को, तो फॉल्स आएगा, फिर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, फिर ट्रू आएगा, फिर फॉल्स आएगा, ठीक है क्या। नहीं, मुझे इसमें किसको किसको देखना है, मुझे इसको और इसको देखना है, ठीक है। तो जब मेरे को इसको और इसको देखना है तो यहाँ पे मेरा ये थोड़ी आएगा, जब मैं ये वाले पार्ट को देख रही हूँ, और किस पार्ट को देख रही हूँ, इस वाले पार्ट को देख रही हूँ, तो यहाँ मेरा आएगा पी डैश ऑफ क्यू, और मैं देख रही हूँ यहाँ पर माइनस पी डैश ऑफ क्यू को, इस वाले को, इस और इस वाले को देख रही हूँ। रुको, मैं एक दूसरा पेन ले लेती हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे इसको देख रही हूँ और इस वाले को देख रही हूँ, तो मेरा पहला क्या आ जाएगा, मेरा पहला आएगा फॉल्स, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा पहले,
फिर क्या आएगा, मेरा फॉल्स आएगा, फिर मेरा फॉल्स आएगा और फिर मेरा फॉल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस ट्रूथ टेबल से ये बोल सकती हूँ कि जो मेरी ये और ये वाली वैल्यू निकालनी थी, ये मेरा ये और ये आ रहा है, तो जो मेरा ये और ये आ रहा है तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये और ये, ये और ये, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, अब इसमें हमें ट्रूथ टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी क्यू ऑफ आर, फिर यहाँ पे ये ऐसा माइनस क्यू ऑफ आर और ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे पी, ये इसको मैं उल्टा करूँगी, ये जो ये का मतलब होता है माइनस, तो सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, अब ये इतने तक बस था, ये माइनस का साइन, ठीक है, और यहाँ से सब एज इट इज ही रहेगा, ठीक। अब आगे क्या लिखूँगी, और अब आगे मैं ब्रैकेट को चेंज करती, क्यों, क्योंकि मेरा जो पी है वो कॉमन था, तो इसमें भी ये फिर मेरा कॉमन हो गया। अब मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसा, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये मेरा ऑप्शन आ रहा है वन, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम फिर से टेबल से समझेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी पी क्यू माइनस पी हैश क्यू माइनस ऑफ माइनस पी हैश क्यू, और यहाँ पे आएगा माइनस क्यू मॉड ऑफ माइनस क्यू, मॉड नहीं वो चिन्ह, ये 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 ये, ठीक है। आई नो टेबल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ऑनलाइन पे, ये अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ लिखती हूँ टी, यहाँ लिखती हूँ एफ, ठीक है, यहाँ टी यहाँ एफ, यहाँ टी यहाँ टी यहाँ एफ यहाँ एफ, ये जो मेरा एफ है, ठीक है। अब मैं इसका इन्वर्स करूँगी, ठीक है, फिर ये दोनों को मैं करूँगी तो टी आएगा, फिर टी आएगा, फिर टी आएगा, फिर एफ आएगा, ठीक है। फिर इसका इन्वर्स करूँगी एफ 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 टी, फिर क्या करूँगी, फिर इसका एफ 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 टी, इसको भी सॉल्व करूँगी एज इट ऐसी टाइप का। तो मेरा जो ऑप्शन है वो क्या आ रहा है, मेरा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा आज बूलियन अलजेब्रा स्टैटिस्टिक। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आएगा, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।